फ्रेंड्स, क्रूज शिप पर जॉब करते हुए आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइड जॉब की। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल होगा कि क्रूज शिप पर साइड जॉब अलाउड है क्या? अगर अलाउड है तो ये कितने प्रकार की होती हैं और इनसे कितना पैसा कमाया जा सकता है? तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि जो पहली साइड जॉब है वो है हेयर कट। जी हाँ, आप हेयर कट कर सकते हैं। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको हेयर कट करना नहीं आता है तो आप इसे सीख भी सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इससे आपको मैं बताता हूँ कैसे कमा सकते हो। ऑन बोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? बार्बर नहीं होता है, स्पा होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं। अगर क्रू मेंबर वहाँ पे हेयर कट के लिए जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, लगभग $80 $100 के आसपास चार्ज करते हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो क्रू मेंबर्स वहाँ जाना नहीं चाहते। तो क्या होता है कि लोग जिनको थोड़ा बहुत आता है और वो वहाँ पे सीख जाते हैं, सीखने के बाद हेयर कट करने लगते हैं, और एक हेयर कट के वो लोग $5 से $10 तक चार्ज करते हैं। जी हाँ, ये डिपेंड करता है, कोई कोई तो अपने हिसाब से $10 दे के चला जाता है, कोई $5 देता है। तो अगर आप एक दिन में 5 से 10 हेयर कट के आसपास करते हो, इतने बीच में 7, 8, 10 हेयर कट करते हो, तो आप अच्छा खासा अमाउंट पैदा कर सकते हो। सपोज करो आपने $10 चार्ज किया और आपने केवल 5 हेयर कट किए, तो भी आप $50 कमा सकते हो फ्रेंड। और आप अगर आपने $5 किसी ने दिया, किसी ने $10 दिया, और अगर आप एवरेज निकालोगे तो भी आपका $50-$60 के आसपास आ जाएगा। और आप इसे कैलकुलेट करोगे मंथली तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है, $1,000 से $1,500 के बीच में आप कमा सकते हो। तो ये किसी किसी क्रू मेंबर की सैलरी से भी ज़्यादा होता है। जी हाँ, जो मिनिमम सैलरी होती है क्रू शिप पे वो $800 से स्टार्ट होती है। वो डिपेंड करता है किस पोजीशन, अगर कोई गैली यूटिलिटी से है, अगर कोई क्लीनर है, तो उनकी जो सैलरी है फ्रेंड्स वो $800 से स्टार्ट होती है। तो अगर वो लोग ये काम करते हैं फ्रेंड्स, तो वो अपनी सैलरी से एग्जैक्ट डबल कमा सकते हैं। जी हाँ, और ये काफ़ी अच्छा है। आप अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जो आपके रेस्ट आवर्स हैं उनमें आप 1-2 घंटा जो है वो हेयर कट करके आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। अगर इसे इंडियन मनी में कन्वर्ट करोगे, सपोज करो आपने $1,000 ही कमाया महीने में, तो इंटू 75 फ्रेंड्स, तो ये 70,000 रुपीज़ होता है। ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो हमारी वो है पर्सनल लॉन्ड्री। जी हाँ, ऑनबोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स के काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, जैसे ऑफिसर्स हैं या अदर प्रोफाइल है, और काफ़ी लोग अपनी खुद की लॉन्ड्री नहीं करना चाहते, जैसे वो काफ़ी बिजी रहे या वो टायर्ड हो गए, वो नहीं करना चाहते। तो क्या करते हैं, ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो उनके लिए वो लॉन्ड्री सबसे प्रोवाइड करा सकें। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे आपको 10 से 15 लोग ढूंढने हैं महीने में, जिनकी आप लॉन्ड्री करके दोगे, और एक आदमी पे आप $50-$60 चार्ज कर सकते हो। इसका आपको आराम से महीने में $1,000 आराम से आप बना सकते हो, और ये जब आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करोगे तो 70,000-75,000 रुपीज़ आप कमा सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो है हमारा लगेज सपोर्ट। जी हाँ, क्या होता है कि जब गेस्ट टर्न अराउंड दिन वाले जब गेस्ट ऑन बोर्ड आता है और अपना क्रूज़ ख़त्म करके आफ्टर 7 डेज या आफ्टर 4 डेज, डिपेंड करता है कि कितने दिन का क्रूज़ है, तो जब गेस्ट जाता है और आता है तो काफ़ी सारा लगेज का मूवमेंट होता है। सपोज़ करो आपके एक जो गेस्ट है वो 2 से 3 पीस लेके आया, और आपके जो शिप की कैपेसिटी है वो 2,000 से 3,000 गेस्ट की है, तो वहीं पे 8-10 हज़ार जो लगेज पीस हो गए, तो क्या होता है कि जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उसकी शॉर्टेज हो जाती है और वो टाइम से लगेज को इन आउट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि अदर स्टाफ जो साइड जॉब करने वाले हैं उनको ढूंढते हैं, वो उनको वो जॉब ऑफ़र करते हैं। और ये जो मैं प्रोफाइल बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब अप्रूव्ड हैं, अलाउड हैं, ये सारे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है पर आवर के हिसाब से पे करते हैं, डिपेंड करता है क्रूज़ लाइन के ऊपर, कहीं ये $15 भी होता है पर आवर, कहीं $20 भी होता है। तो दोस्तों आराम से $600-$500 आप लगेज सपोर्ट से ही कमा सकते हो, जबकि इससे ज़्यादा ही कमा सकते हो। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो है GCP, गैस कंडक्ट पॉलिसी। क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी पीक सीज़न होता है ना क्रूजिंग का,
मान लीजिए आप चाहे वो क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या स्प्रिंग ब्रेक्स हो, तो क्या होता है कि क्रूज़ जो है वो काफ़ी फुल जाते हैं और वहाँ पे किड्स काउंट जो है वो बढ़ जाता है। आपको पता है जब किड्स काउंट बढ़ जाता है तो किड्स तो नोटी होते ही हैं, तो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो उनको संभालने के लिए सिक्योरिटी टीम को जो है एक स्टाफ की, ऐसे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है कि वो इन पे नज़र रख सकें और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो तुरंत सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर सकें, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी काउंट्स बढ़ जाता है, जो क्रूजिंग है वो फुल होती है तो इंसिडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो तभी इन्हें इन स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें आप कहोगे कि दोस्तों के सिक्योरिटी का काम कैसे करते हैं, मैं तो सपोज़ करो हाउसकीपिंग में काम करता हूँ या मैं डीजे हूँ या मैं सिंगर हूँ डांसर हूँ, आप ऐसे बोलोगे तो क्या होता है कि एक ट्रेनिंग होती है ऑन बोर्ड फ्रेंड्स, तो वो हम लोग जो भी है सिक्योरिटी टीम है वो ट्रेंड कराएगी स्टाफ को, उनको ट्रेनिंग देगी और उसके बाद उनसे काम लेगी, तो इस पे भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है वो पे करती है, $10 के आसपास पे करते हैं पर आवर, तो अगर आप 2 घंटे भी रोज़ करते हो तो $20 हो गया फ्रेंड्स, तो महीने के $600 हो गया, ठीक है, और तो ये भी अच्छा खासा अमाउंट है फ्रेंड्स। जो मैंने आपको $20 अभी बताया वो तो आपका 2 आवर्स का हो गया, प्लस आपको जो ओवर टाइम का जो रेट होता है ना, चाहे वो $5 पर आवर है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा और वो भी मिलेगा आपको इसके ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है पैम्पलेट्स बांटने का काम। जी हाँ, क्या होता है कि जैसे अगर एक डिपार्टमेंट होता है इंटरनेट का, जो इंटरनेट सेल करते हैं गेस्ट को वाईफाई, और एक होता है शॉप्स का, शॉप्स वो दोस्तों जो सोर साइड में जो शॉपिंग होती है उसके उसको उसके बारे में गेस्ट को गाइड करना और उनको प्रेजेंटेशन ये लोग देते हैं, तो क्या करते हैं कि पैम्पलेट्स बटवाते हैं, तो उनको ये क्या होता है कि इनका डिपार्टमेंट बहुत छोटा होता है और इन डिपार्टमेंट में एक आदमी होता है, जैसे इंटरनेट वाले जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है जिसे कहते हैं, जो इंटरनेट डिपार्टमेंट होता है वो खाली एक ही वैकेंसी होती है, ऑनबोर्ड एक ही आदमी होता है, तो वो और दूसरा एक शॉप गाइड होता है जो सोर साइड में, मैंने अभी बताया सोर साइड में जो शॉपिंग के लिए गाइड करता है कि कहाँ से क्या ख़रीदना है और कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिलती है, तो उसकी प्रेजेंटेशन ये लोग देते हैं एक दिन पहले, तो उन गेस्ट को बुलाने के लिए एक जगह, चाहे वो थिएटर में प्रेजेंटेशन दे रहे हों या किसी भी जगह दे रहे हों, तो उनको सूचना देने के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए इनको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, साइड जॉब करने वालों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो पैम्पलेट्स जो है वो गेस्ट को बंटवा सकें, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी आप एक साइड जॉब इनकम अर्न कर सकते हो। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है जहाँ से आप साइड जॉब अर्न कर सकते हो वो है आर्ट। जी आर्ट, जो ऑक्शन होता है ऑनबोर्ड ऑक्शन होता है पेंटिंग्स का फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि वो पेंटिंग्स जो ऑक्शन करने वाले हैं उन्हें सेटअप करना पड़ता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये ऑक्शन कर सकें, तो इन्हें भी 2-3 स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सारी पेंटिंग्स को सेटअप कर सकें, तो यहाँ से भी ये लोग काफ़ी अच्छा पैसा पे करते हैं क्योंकि ये अर्न भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो ये पे भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो यहाँ भी 2-3 घंटे का काम होता है और ये वीक में जो सी डेज रहते हैं उनमें ये अपने ऑक्शन करते हैं, तो ये वीक में 2 से 3 दिन तो आपको मिल ही जाते हैं, 3 दिन या 2 दिन आपको मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करते हैं, जो बाकी जो साइड जॉब्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करते हैं, तो यहाँ से भी आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप सिप पे कई प्रकार से साइड जॉब कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ, जैसे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है और वो गेस्ट का रूम मेकअप करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है किसी तरह से डिले हो जाता है, जैसे अराइवल डिले हो गया या और कुछ हो गया, टेक्निकल इश्यूज हो गए, तो क्या होता है कि गेस्ट का जो रूम है वो टाइम से कंप्लीट नहीं होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो क्या करते हैं जो स्टेट रूम अटेंडेंट होता है जो रूम का मेकअप करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है और वो एक्स्ट्रा स्टाफ जो है वो क्या करते हैं उनसे असिस्टेंस लेते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं और उनको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।